आज गुजरात में भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह है। सीएम योगी, सीएम धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे शामिल। उत्तराखंड के सीएम धामी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। डिंपल यादव आज लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिलाएंगे शपथ। मुख्यमंत्री योगी का अंतिम प्रबुद्ध सम्मेलन 13 दिसंबर को मथुरा में है। इसके बाद योगी निकाय चुनाव प्रचार में उतरेंगे। 12 दिसंबर को हॉकी विश्व में विजेता को दी जाने वाली ट्रॉफी लखनऊ आएगी। वाराणसी ज्ञान माफी प्रकरण में अखिलेश यादव व ओवैसी के खिलाफ लंबित वाद पर 12 दिसंबर को होगी सुनवाई। समेत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति, शिक्षा, धर्म, रोजगार और क्राइम की खबरों और हर छोटी बड़ी खबरें मिलेंगी। सीएम योगी, सीएम धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे शामिल। लखनऊ से सुबह 9:45 पर गुजरात के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नवनिर्वाचित गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभाग लेंगे। 12 दिसंबर को दिल्ली में प्रदेश के सभी सांसदों के साथ होगी महत्वपूर्ण बैठक। प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार व अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रदेश में दायित्व के बंटवारे पर भी हो रहा है विचार मंथन। भाजपा प्रदेश के संगठनात्मक 19 जिलों के कार्यकारिणी की घोषणा पर कर रही है विचार मंथन। देहरादून सचिवालय में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं मौसम विज्ञान केंद्र के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी उपचुनाव में भरी मतों से जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव सोमवार को लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में शपथ लेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव को सोमवार सुबह 11 बजे सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। यूपी में हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद रविवार को लखनऊ में बीजेपी की एक अहम बैठक बुलाई गई। सीएम आवास पर हो रही इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत नेता इस बैठक में शामिल हुए। बता दें कि यूपी के खतौली, मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में दो जगह समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज तो एक जगह बीजेपी को जीत मिली। बैठक में सीएम योगी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह रहे मौजूद। बैठक में विस्तृत रूप से उपचुनाव में मिली हार के कारण को लेकर हुई समीक्षा। आगामी निकाय चुनाव में किस तरह से सरकार और संगठन में समन्वय और सरकार के मंत्रियों को दिए जाने वाली जिम्मेदारी पर भी हुई चर्चा। अम्बेडकर नगर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे सुहेल देव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करते हैं। सत्ता में वापसी के लिए सपा को कम से कम 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। शिवपाल यादव की पार्टी पर विलय पर कहा इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। राजभर ने मैनपुरी में मिली जीत को सिंपैथी की जीत बताया। मुख्यमंत्री का अंतिम प्रबुद्ध सम्मेलन 13 दिसंबर को मथुरा में है। इसके बाद योगी निकाय चुनाव प्रचार में उतरेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा अन्य शहरों में चुनाव प्रचार की कमान दोनों उप मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों व पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी संभालेंगे। मुख्यमंत्री योगी 13 दिसंबर के बाद सभी नगर निगमों के अलावा बड़े निकाय वाले शहरों में रोड शो के साथ ही बड़ी सभाएं भी करेंगे। आज से 18 दिसंबर तक संगठनात्मक कार्यों एवं नगर निकाय चुनावों को लेकर क्षेत्र एवं जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करेंगी। सीएम योगी 12 दिसंबर को करेंगे रिसीव। 12 दिसंबर को हॉकी विश्व में विजेता को दी जाने वाली ट्रॉफी लखनऊ आएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ को रिसीव करने के लिए जाएंगे। 13 जनवरी से ओडिशा में हॉकी विश्व कप की शुरुआत हो रही है। ज्ञानवापी परिसर स्थित बुजुर्ग खाने में गंदगी करने और इस प्रकरण में बयान देकर हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत करने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, AIMIF प्रमुख व सांसद असदुद्दीन ओवैसी एवं अन्य के खिलाफ मुकदमा दायर करने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को अदालत में सुनवाई हुई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि तय की है। अदालत ने पिछली सुनवाई में प्रार्थना पत्र को सुनवाई योग्य मान लिया था। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल सूचना के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जिसका नाम रिजवान है। पूछताछ के बाद युवक बांग्लादेशी नागरिक निकला। पुलिस ने आगे की तहकीकात शुरू करते हुए परिवार के सभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। दरअसल यह युवक कानपुर में रहकर लगातार कई देशों की यात्रा कर चुका है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल यह कई बार गया है। इस युवक के पास से बरामद किए गए कागजातों के पर सपा विधायक इरफान सोलंकी के द्वारा जारी किया गया लेटर हेड भी मिला है जिसमें इसे भारतीय नागरिक बताया गया है। साथ ही सपा पार्षद मन्नू रहमान के द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र भी बरामद हुआ है। युवक के पास से 3 अलग अलग नामों से उसके आधार कार्ड भी मिले और अलग अलग
बदनामों से दो पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। कई देशों की करेंसी भी युवक के पास से मिली है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें आगे की जाँच की जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में तफ्तीश के बाद धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। पुलिस पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक को लेकर विदेशी जासूस होने के शक पर भी जांच की जा रही है। वहीं पुलिस रिजवान के पास से मिले दस्तावेजों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाने की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक भाजपा विधायक का बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल भाजपा दिनेश रावत का कहना है कि जो लोग निकाय चुनाव के लिए बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, उन लोगों को अगर पार्टी से टिकट नहीं मिले तो वह लोग चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि बीजेपी से टिकट ना मिलने के बाद भी अगर वह लोग हमारे प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े तो हम उनके पास बुलडोजर भेज देंगे। जी हां, आपको बता दें कि दिनेश रावत पहली बार भाजपा से विधायक बने हैं और वह इससे पहले भी अपने इस तरह के बयानों के चलते सुर्खियों में आ चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी पत्नी संग ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंदिर पहुंचकर ठाकुर बांके बिहारी महाराज की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। आज भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है वह रास्ता जनता के सपनों को तोड़ता है, बनाता नहीं। आज उत्तर प्रदेश के GST का हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते व्यापारी के छापे पड़ रहे हैं। यदि व्यापारी का भरोसा उठ गया तो भाजपा शून्य पर आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने वाली पार्टी है। झांसी समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव और पूर्व MNC तिलक चंद्र अहिरवार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तिलक 2022 विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे और झांसी के मऊरानीपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए थे। इस्तीफा देने के बाद तिलक ने कहा कि सपा में संगठनात्मक गतिविधियां शून्य थी, इसलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। यूपी के कई जिलों में GST विभाग की टीमें छापामार कार्रवाई कर रही हैं। दुकानों पर जाकर सर्वे किया जा रहा है और गड़बड़ी पाए जाने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। छापों के डर से बाजारों में सन्नाटा देखा जा रहा है। कई जगहों पर व्यापारियों के विधायकों और मंत्रियों के घेराव करने की भी खबरें हैं। यूपी सरकार ने 2023 में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी जोर शोर से करनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के जरिए कई करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रदेश में सभी प्राधिकरणों को इन्वेस्टमेंट में भागीदारी के लिए टारगेट दिया गया है। यमुना प्राधिकरण ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए सियोल, दक्षिण कोरिया और जापान में रोड शो करेगी। ये रोड शो 12 दिसंबर से शुरू होगा। यमुना अथॉरिटी ने इसके जरिए 60,000 का टारगेट फिक्स किया है।